क्योंकि आज मैं सबको देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर जिस टाइप पे मैंने शुरू किया था मैं भी ऐसे इवेंट्स के हिस्सा रहा होता तो और ज्यादा ग्रोथ हुई होती। आई थिंक आप सबको भी मजा आया होगा आज। हाँ भैया ब्लॉग है भैया। हाँ भैया ब्लॉग तो यार इनके ब्लॉग को सब्सक्राइब करो, वीडियो से सुनते रहे। अब यूट्यूब पे पॉडकास्ट सुन रहे हैं आपके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जिस भी इवेंट पर सबसे ज्यादा शोर होगा ना वहाँ पे जल्दी से इवेंट होगा दोबारा, पता आपको एक बार। अरे आस्था कैसा नोव कि आपको एक मेल आया और उसमें कोई सेलिब्रिटी आपको मिलने के लिए बुला रहा हूँ। तुम्हारे भाई के साथ में भी कुछ ऐसी हुआ था। मुझे इनवाइट किया था 29 एंड रूवर को यूट्यूब क्रिएटर कलेक्टिव इवेंट। फिर क्या था, एक्साइट होने के लिए उसी मैं 28 की रात में दिल्ली के लिए निकल जाता हूँ। अब वैसे तो ट्रेन बहुत सारी हैं लेकिन आज के दिन मेरी ट्रेन सारी लेट हो चुकी होती हैं। रात को इंतजार करने के बाद 3 बजे मेरी ट्रेन आती है और इतनी भीड़ में 5 घंटे का स्ट्रगल करके मैं सुबह 8 बजे दिल्ली पहुंच जाता हूँ। फिर रेडियो का अंदर निकल जाता है नोएडा के लिए। ये इवेंट हो रहा है नोएडा सेक्टर 98 मेन कॉकटेल बार के अंदर। अभी का सीन ऐसा है, हमारा थोड़ा सा बिगड़ चुके हैं हमारे सीन भी। हमें जाना था मेट्रो से, मेट्रो चेंज करना पड़ती है नोएडा के अंदर आने के बाद में। पनीर चौक वाली मेट्रो चेंज करना पड़ती है, एको लाइन हमारी। तो एको लाइन चेंज करने में हमें टाइम लगता, तो हमने डायरेक्टली ऑटो कर लिया हमें, क्योंकि ऑटो बाद में भी करना था हमें। तो अभी हमने ऑटो किया, बस सबकी धड़कने थम चुकी है क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है। 11 बजे की टाइमिंग थी और 12 बजने वाले हैं। तो मतलब जब भी हम कहीं पर जाते हैं तो हम लेट ही होते हैं। मतलब सारी ब्लॉग में देखा होगा, जब भी कोई ट्रेन पकड़नी हो तब भी लेट, किसी फंक्शन में आओ तब भी लेट, या किसी इवेंट में जाओ तब भी लेट। मतलब हमेशा हम लेट ही रहते हैं, आज भी लेट ही हो गए। कोई बात नहीं, उसके लिए सॉरी माइन की तरफ से। बाकी सब बढ़िया है। हाँ भैया, तो अभी हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं और अभी 5th फ्लोर के हम लोग जा रहे हैं और फीलिंग बहुत ज़्यादा तगड़ी आ रही है। बाहर का लुक मैंने अभी दिखाया नहीं है, अभी दिखाने वाला हूँ आपको बाहर का लुक। और वहीं एक्साइटमेंट है बहुत ज़्यादा। इसमें एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा भाई। पहुंच गए हम लोग, थैंक यू सो मच। मेरी एंसर पर मुझे एक यूट्यूब का पैंट माना जाता है, कुछ गिफ्ट्स दिए जाते हैं। लेकिन जिस चीज का इंतजार होता है वो मुझे आते ही यहाँ मिल जाती है। सबसे पहले हम लोग लखनी ब्लॉक से कुछ मेंबर्स देखने को मिलते हैं, उसके बाद अरमान मलिक और मक्खन भाई से हम लोग मिलते हैं। अब इस इवेंट में क्या है, कुछ टास्क जिसके अंदर हम लोग को एक वीडियो बनाकर अपलोड करने होती है। बड़ी बटन पे हम यूज कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लिख सकते हैं व्हाट एवर यू वॉन्ट टू कन्वे टू दी अदर क्रिएटर। लेट्स हैव अ लुक गाइस, यू रेडी? Yes, you need some mic. अच्छा, आप तो बिना माइक के भी बोल रहे थे, मुझे लगता है यू आर या लाउड इनफ। फैबुलस गाइस, कम ऑन, एक बार चीयर कर दीजिए, कितने बार चीयर। यस, ऑल राइट गाइस, 3, 2, 1। इसके बाद सब लोगों से कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं जो इंट्रो से रिलेटेड होते हैं। यस, व्हाई नॉट अ रैपिड फायर? एंड आई नो करना था कुछ बहुत ही स्पाइसी सवाल आप सबके लिए यहां पर तैयार किए हुए हैं। आप सबको बहुत मजा आने वाला है इस वाले राउंड में, तो लेट्स बिगिन। करें? यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए इसी के साथ लेट्स बिगिन द रैपिड फायर। जैसा कि अभी लखन ने बोला, बहुत स्पाइसी सवाल है, एक्चुअली बहुत मसालेदार क्वेश्चंस मैं यहां पे लेकर आई हूं। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, raise your hand
इफ यू फील लाइक यू हैव मेड वन न्यू फ्रेंड टुडे, अगर आपने आज एक नया दोस्त बनाया तो प्लीज अपना हाथ उठा के हमें बताइए। वाओ वाओ सुपर। चलिए मैम से पूछते हैं, मैम किसको आपने अपना दोस्त बनाया? मुझसे दोस्ती करोगी? चिरायु पायल मलिक, सब्सक्राइबर 3 मिलियन, चिरायु मलिक नेम, लखन चंचू। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन एक ऐसे क्रिएटर जिनकी मैं बचपन से वीडियो देखता आ रहा हूँ वो मेरे सामने आए, बड़े बताते हैं। माधुआ जी टेक्निकल, जिनकी यूट्यूब पर 3 चैनल है। अब मुझे उनसे मिलने का मौका मिलता है और वो मेरे चैनल को प्रमोट करते हैं। हाँ भैया ब्लॉग है भैया, हाँ भैया ब्लॉग तो यार इनके ब्लॉग को सब्सक्राइब करो। अब बारी आती है पेट पूजा करने की, क्योंकि कल रात से मैंने कुछ नहीं खाया होता है। बात नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ भी यहाँ पे आवाज़ नहीं आती, क्योंकि वैसे ही आपको पता है कि मैं माइक लगाना भूल चुका हूँ ना। खैर अभी का सीन ऐसा है कि यहाँ पे बहुत सारे क्रिएटर्स आए हुए हैं, तो अभी हम सोच रहे थे कि थोड़ा सा कोलैबोरेशन वगैरह करें, लेकिन हम लोग थोड़ा लेट आ पाए। थोड़ी प्रॉब्लम मेरी थी कि मेरी ट्रेन रह गई थी, तो उस वजह से मैं लेट आ पाया। कि अभी का सीन ऐसा है ना कि अभी सोच रहे थे कि खाना वगैरह खा लेना। बाकी सौरभ भैया इधर हैं, फिर लंच के बाद हम लोग कुछ जगह एक्सप्लोर करते हैं। हाँ भैया, तो अभी हम लोगों ने लंच वगैरह कर लिया और ये जो नीचे पड़ा हुआ ये हमारा नहीं है। ऐसा था ना कि हम इसके मिरर के उस पार थे हम लोग, लेकिन अभी इस पार आए इसलिए हमें उधर ना शोर थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो उस वजह सोचा मैं इस पार आ जाऊँ। तो इस पार आके हम लोग वीडियो बना रहे हैं, यहाँ का माहौल ऐसा है देखो थोड़ा कैमरेज। तो हाँ भैया, अभी बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे फील हो रहा है, मतलब यहाँ पे पहली बार मैं आया हूँ और अभी शायद बुलाना चालू कर दिया इन्होंने हमें। तो अभी लंच वगैरह ओवर हो चुका है हमारा और अभी स्टार्ट होने वाला कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें स्टार्ट होने वाली है। क्या क्या होगा वो मैं आपको बता दूँ। इसमें तो बड़ा मज़ा आ रहा है, कसम से बता रहा हूँ। कैसा आ रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत सारे क्रिएटर से हम लोग मिल रहे हैं, काफ़ी क्रिएटर से मिला और काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी आइडियाज मिले। हाँ जी, आ रहे फिर से लौट कर। आई एम बैक। ये कैसा है टीम? टेक्निकल महात्मा जी, टेक्निकल सर हैं अमरीश सर, अमरीश सर, तो उनसे अभी हम लोग मिले थे और काफ़ी अच्छा लगा उनका, इतना अच्छा, मतलब क्या बताऊँ मैं, सब चीज़ें मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। अरमान मलिक से मिले थे हम लोग और लखनीत ब्लॉक से हम लोग हम मिले थे, लेकिन अभी फ़ोटोशूट नहीं हो पाए। फ़ोटोशूट जैसे ही होते हैं हम लोग डाल देंगे, तब तो पता ही चल जाएगा। फ़ोटोशूट भी करवाएंगे अभी, बस अभी वो लोग अंदर अभी लंच वगैरह कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लंच वगैरह करने के बाद में हम फ़ोटोशूट कराएंगे। तो हमने चलो ठीक है, फ़ोटोशूट हम लंच करने के बाद करा लेते हैं, बाकी सब बढ़िया है। अभी काफ़ी टाइम के बाद मुझे इतनी खुली खुली लोकेशन मिली है, क्योंकि व्लॉग बनाने के लिए कहीं पे अच्छी लोकेशन मिल नहीं पाई थी, यहाँ पे आके मैं व्लॉग बना रहा हूँ। बाकी बहुत अच्छा व्यू है नोएडा का यार यहाँ पे। और यहाँ पे अनाया, आपने देख ही रखी होंगी वीडियोस वगैरह, अनाया तो वीडियोस वगैरह अनाया के जो फादर हैं वो वहाँ पे, और ये अनाया है। वेलकम। इस इवेंट में हमने काफ़ी ज़्यादा फन किया और उसके बाद हमें लखनीत ब्लॉग के साथ पिक्स क्लिक कराने का मौका मिलता है। फिर अरमान मलिक के साथ हम लोग कुछ पिक्स क्लिक करते हैं जो मेरे इंस्टा अकाउंट पर ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो ये यूज़र नेम माना, जल्दी से आगे फॉलो कर दो, जल्दी से इंस्टाग्राम पर भी 15K करा दो। तो हाँ भैया, अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं और काफ़ी अच्छा हमारा मीटअप था और काफ़ी लोगों से हम लोग मिले और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। ऐसे ऐसे नए नए क्रिएटर से हम लोग मिले ना, कि मतलब मैंने तो कभी सोचा नहीं था इतने बड़े बड़े क्रिएटर से मैं मिल पाऊँगा। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स से मिल पाऊंगा, अभी भी इतने बड़े क्रिएटर्स नहीं हुए, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों से मैं मिल चुका हूं। जैसे कि अभी हमारे सामने बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी रिक्वेस्ट है। एक के साथ एक फ्री मेरे साथ फ्री नहीं है,
ये मेरी कलीग है और ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। ओके, काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप है। एंड सर का आदित्य राय, किसके ब्लॉग्स बनाता हूँ मैं, क्रिकेट के ब्लॉग्स। आप वहाँ जाके ब्लॉग्स बनाते हो या फिर घर पे आके टीवी पे ब्लॉग्स बनाते हो? नहीं नहीं, वहीं पर खेलते हुए ब्लॉग्स बनते हैं पूरा, मतलब। अच्छा, आप अपने क्रिकेट के ब्लॉग्स बनाते हो? अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप अच्छे प्लेयर हो ना? बिल्कुल, मैं ब्लॉग्स मैं आपकी वीडियो सर्च करूँगा। बिल्कुल जी जी, ठीक है जी जी, ठीक है ठीक है, थैंक यू। बाकी सब्सक्राइब करना, हाँ भैया ब्लॉग्स, ओके इंशाल्लाह। ये सब तो ठीक था, लेकिन एक ऐसे क्रिएटर जिनकी आवाज मैंने नहीं पूरी दुनिया ने सुनी है, रेड एफएम के बोवा, जिनका नाम आरजे रौनक होता है। इनका नेचर काफी ज्यादा अच्छा होता है, काफी ज्यादा मजा आता है इनसे मिलने के बाद। हाँ भैया, तो अभी का सीन ऐसा है कि हम लोग अभी जा रहे हैं और यहाँ का सीन मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि देखो अभी जो यहाँ पे क्रिएटर्स है ना, आरजे रौनक सर से मैं अभी मिला था और उनकी फोटोज मैं शेयर कर रहा हूँ। वीडियोज तो नहीं बना पाया, लेकिन मतलब मैंने सोचा नहीं था आरजे रौनक से मैं मिल पाऊंगा, मतलब जिनकी वीडियोज में बचपन से बोवा देख रहा हूँ, वह सच में मेरे सामने आके खड़े हो गए, बहुत बढ़िया। खैर, अभी हम लोग यहाँ पे क्रिएटर्स बहुत सारे हैं अभी, और सब अभी जा रहे हैं, अभी बाहर आ चुके हैं और अभी यहाँ पे चल रही है तैयारियाँ जाने की। और ये देखो सीन कुछ ऐसे है, ये मेरा नहीं है, ये भैया का। फिर जब हम इस मीटर से जाते हैं तो सबसे एक बार और मिलते हैं। सर थैंक यू सो मच, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमें भी आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। कैसे भैया? मिलकर बहुत अच्छा लगा आपसे भी। एंड बेटा बाय बाय कर दो, बाय कर दो, सब्सक्राइब करने को बोलो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अब सब्सक्राइबर बढ़ने वाले मेरे भी, अब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने वाले, बाकी सब बढ़िया। वैल्यू सब्सक्राइबर की नहीं होती, खाली कंटेंट की होती है। मैंने आपको बोला था ना, रौनक सर आए हुए हैं, तो रौनक सर यहाँ पर है। पहले तो रेडियो से सुनते रहे, अब यूट्यूब पे पॉडकास्ट सुन रहे हैं आपके। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच कि अनयूजुअल ऐसे एक मिल भी लिया। हाँ, मिल गया, तो ये बड़ा अच्छा लगा सर। थैंक यू वेरी मच, नाइस मीटिंग, टेक केयर, बाय। बाय सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। अभी खैर लखनीत ब्लॉक्स और अरमान मलिक की गाड़ी वगैरह आई हुई है, अभी वहाँ पे वो लोग आ रहे हैं लिफ्ट से, और लिफ्ट से आने के बाद वो उसमें गाड़ी में एंटर करेंगे और घर चले जाएंगे, बाकी सब बढ़िया है। हाँ भैया, अभी हम लोग यूट्यूब के मीटअप से आ चुके हैं और बाहर ही खड़ा हूँ यार, इधर बिल्डिंग है, उधर अरमान मलिक की गाड़ी खड़ी है, और उधर अब जाने का कोई चांसेस भी नहीं है। और अभी हम लोग को ये बैंड वगैरह मिला था और गिफ्ट्स वगैरह मिले थे, सब लोगों ने अपने अपने गिफ्ट्स खोल लिए, मैंने नहीं खोले, भैया ने नहीं खोले, कि हम लोगों को गिफ्ट से मतलब नहीं है, हम लोगों को मतलब है लोगों से मिलने से और लोगों से भाईचारा बढ़ाने से, कि हमारा भाईचारा जब बढ़ेगा तो हमारी यूट्यूब कम्युनिटी बढ़ेगी और आप सबसे हमारी बातचीत बढ़ेगी, तो गिफ्ट तो हम घर जाए खोलेंगे, बाकी सब बढ़िया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया आपको, आप लोगों को मज़ा आया तो फिर पता ना कैसा लगा आपको, बाकी सब बढ़िया। अब इस इवेंट में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि ये इवेंट मेरा यूट्यूब का पहला इवेंट था और यूट्यूब से मुझे कुछ गिफ्ट्स भी मिले थे, जैसे सबसे पहले मुझे ये बैग मिलता है, इसके अंदर ही लेटर होता है जिसमें लिखा होता है, डियर क्रिएटर्स थैंक यू सो मच फॉर बींग अ पार्ट ऑफ यूट्यूब क्रिएटर कलेक्टिव इन नोएडा, और ये यूट्यूब की टीम की तरफ से हमें दिया जाता है, ये मुझे भी सबको मिला है। फिर मुझे मिलती है एक डायरी जो यूट्यूब की तरफ से मिलती है, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, पहला ये पता है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर मुझे मिलता है यूट्यूब की तरफ से टैन, जो पहले तो उससे नहीं आता लेकिन अब समझ में आ रहा है कि हाँ चलता है जैसे। और सबसे लास्ट चीज़ मुझे मिलता है यूट्यूब की तरफ से कैप, जो यूट्यूब का होता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो थैंक यू सो मच यूट्यूब, जो आप लोगों ने हमें इन्वाइट किया और इतने सारे गिफ्ट्स दिए, ऐसे ही आगे मीटअप वाले तो बुलाते हैं, थैंक यू सो मच मेरे लोगों जो वहाँ पे आए और मिले। बाकी जो लोग मुझसे मिले हैं और वो मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ कॉमेंट करें, ज़रूर बताना। बाकी सब बढ़िया, इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को सुनाई के लिए लाइक करें, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करें। विश्वास या फिर आप।